Welcome to Time News Studios. You are watching 4BM Bulletin. सिंध हुकूमत भी कोरोना वायरस सबब बोर्ड जा इम्तिहान खत्म करण जो ऐलान कर छो। तालीम वाले सूबाई वजीर सईद गनी जो चवण है तो सिंध में मैट्रिक ए इंटर जा इम्तिहान न थींदा। शागिर्दन के मथिन क्लासन में प्रोमोट करण लाए परसेंटेज में 3% वाद कबी, जैं लाए कानून में तरमीम आंदी वेंदी। वज़ीर आज़म इमरान खान पेट्रोल सस्तो थियण जो फ़ायदो अवाम तई पहुँचाइण की हिदायत करे छी। वज़ीर आज़म स्मगलिंग में मुलविस मानून खिलाफ़ कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन में तलब कर वरती। इमरान खान जो चवण है तो आब वाहिपे जो शयूं महंगियों थियण सबब अवाम परेशानियों के मुंह ॾेई रहियो आहे। सिंध में कोरोना जा 758 नवा केस जाहिर। वायरस वधिक नव मरीजन जो हयातियों गिड़काए वो। सिंध में कोरोना मरीजन जो अंग 14,099 थी वो। हेल तई 238 मरीज फौत थी चुका। कराची में 55, हैदराबाद में 33, लाड़काणी में 26, मटियारी में कोरोना जा 16 नवा केस जाहिर। टनो मोहम्मद खान में 6, कंबर शदाद कोर्ट में 5, दादू घोटकी ए जैकबाद में 33 नवा केस जाहिर। वडे वजीर जो चवण है तो अफसोस है जो कुछ मानून की गलत बयानी सबब मानू कोरोना टेस्ट कराण नथा चाहे। सिंध के सेहत खाते कोरोना दौरान ड्यूटी कंदड़ डॉक्टर्स नर्सिस ए तिब्बी अमले के हेल्थ अलाउंस देण जो ऐलान कर छो। सेहत वाली सूबाई वजीर डॉक्टर अजरा फजल पेचू जो चवण है तो समूरन अस्पतालों में हिफाजती कदमन के हर सूरत में यकीनी बनाया वो। सेफ्टी किट्स फराहम न कदड़ खानगी अस्पतालों खिलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। ड्यूटी दौरान कोरोना सबब फौत थी वेल तिब्बी अमले के पैकेज दिनों वो। डॉक्टर्स ए हेल्थ अमले के मौको दिनों वो तो उ खानगी अस्पतालों में भी इलाज कराण चाहन तो कराए सकन था। खर्च हुकूमत बर्दाश्त। ढाई साल हो चुके हैं, आज तक कुछ ये साबित कर नहीं चुके। जुडिशियल कमीशन बनाया जाए हलीम अल शेख के ऊपर, मैं उसको वेलकम करता हूँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। शर्म करो, रिश्तेदारों से तंग करते हो, मेरे घर में घुसते हो, मेरे मासूम कजन्स को तुम तंग करते हो जिनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। बिजनेस करना जुर्म नहीं है, कारोबार करना जुर्म नहीं है, चोरी करना तुम्हारा काम है, कारोबार करना हर कारोबारी शख्स का काम है। मुराद अली शाह साहब का एक कजन आसिफ हैदर शाह, जिसका भाई आफाक हैदर शाह जो नौकरी से निकला हुआ था, उसको मुराद अली शाह ने आने के बाद बहाल किया, वर्क एंड सर्विस उसके हवाले की। एजाज अहमद शाह एक वो शख्स भगोड़ा ऐसी जो लेकर जतोई के आते ही भाग गया था असिस्टेंट कमिश्नर, उसको 2010 में वापस लाया जाता है। और जरा बताएं बच्चल राव पोटरा कौन है, वो साई बच्चल राव पोटरो कौन है, सलीम बाजारी कौन है, आसिफ शाह सेवन वाला कौन है, बताओ तो सही। ये सलीम बाजारी गधे के ऊपर सफर करने वाला आज ये लैंड क्रूजरों में किसका फ्रंट मैन है? सिकंदर राव पोटरो का भाई मुराद अली शाह का फ्रंट मैन, सलीम बाजारी फ्रंट मैन, आफाक हैदर शाह फ्रंट मैन, और ये सारे बेनोइयों का टब्बर अलग है वो भी फ्रंट मैन। मैं कहना चाहता हूँ मुराद अली शाह तुम मुझसे बात करते हो? शुगर मिलों की सब्सिडी, सिंध बैंक की तबाही, समिट बैंक की तबाही, जेआईटी के अंदर मुराद अली शाह मुल्जिम नंबर 420 है। मुराद अली शाह क्यों नहीं जा रहा जेआईटी के अंदर? पीटीआई अखबारों जा सिंध के वे वजीर मथा सख्त इल्ज़ाम। हलीम आदिल शेख जो चवण है त हाउसिंग स्कीम वे मामले ते जीआईटी या अदालती कमीशन जोड़ो वे। हलीम आदिल शेख जो चवण हो तो 2.5 साल का एंटी करप्शन सदन पोया है पर कुछ भी साबित ना हिन करे सग्या। उन्हें चो तो पीपी वारा पेंजी करप्शन जो हिसाब दियन कारोबार करण को डो को। हम सियासत नहीं करना चाहते हैं, हम बल्कि अपोजिशन से हाथ जोड़ के कहते हैं कि इसको आप सियासत में ना उलझाएं, के बजाय इसके कि हम ये ब्लेम गेम करें, ये कंफ्यूजन क्रिएट करें जो कि अपोजिशन कर रही है, उसको चाहिए कि वो अपना हिस्सा डालें। ये नहीं है कि बाहर से आप तकरीर करें और ये करें और वो करें। कि मुझे अपोजिशन ये बताए कि उनका अपना पैरेलल कोविड प्लान क्या है, कोविड-19 का प्लान क्या है। नंबर टू, क्या ये अपोजिशन चाहती है कि हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? कुछ पार्टीज चाहती भी यही हैं कि वो इकोनॉमी कलेप्स कर जाए खुदा ना खास्ता और उनको कोई एनआरओ मिल जाए।
छा मुल्क में कर्फ्यू लगाए छड़ियूं ऑपोजिशन बुधाए तो हुनन जो पहंजो कोरोना बहरान जो प्लान छाहे सेनेट इजलास में वफाकी वजीर शिबली फराज जो चवण हो तो ऑपोजिशन मुंझारा पैदा करे रही है सिंध के 31 अरब का वधीक जा वसीला दिना हुनन फकत लॉकडाउन कयो पर राशन ना मानू दर बदर आहिन शिबली फराज जो चवण हो तो कुछ पार्टियों चाहन थी तो मईशियत वेझी वे खेन NRO मिली वे पर ये न थी नून लीग अगवाण मुशाहिदुल्ला खान जो चवण है तो पहरियों भेरो अशराफिया माइंड सेटअप बाबत बुधो है शहजाद अकबर केतर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर चुको पर मथस केस दाखिल न थो है शहजाद अकबर बुधाए तो लंदन में मलिक रियाज जो जेको ब्रीफ केस हो उनमें केतरा पैसा हुआ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अगवाण सेनेटर उस्मान काकड़ जो चवण है तो जिन मानून आईन ए पार्लियामेंट के न मनो उन अज डी तई सजा ना मिली सकी नौकर भी आईन खिलाफ गालियों कर रहा है पेरे ढी का ही अरड़ी आईनी तरमीम खिलाफ साजिशू शुरू थी व्यू हुई असा आईन में कें भी किस्म की तरमीम थियण न डींदी जैसे अरड़ी तरमीम से छेड़छाड़ कई वही तो मजामत कदी अवाम बंग्लादेश के बे विसारे छी वे वजीर मुराद अली शाह तरफा खंड स्कैंडल कमीशन के बे खत जो भी जवाब पेश थियण का इनकार एडवोकेट जनरल खंड स्कैंडल कमीशन तरफा उमाणल बे खत जो भी जवाब दई छो खत में AG सिंध जो चवण है त वजीर आजम की रिपोर्ट में पंजाब की शुगर मिल्स जो जिक्र है कमीशन सिंध के वे वजीर के तलब करण जो इख्तियार न थी रखे कमीशन तरफा उमाणल बे खत में चो हो तो वजीर आजम इमरान खान खंड स्कैंडल की जांच लाए कमीशन जोड़ी है कमीशन सिंध के वे वजीर के भी तलब करे सके थी रतुदिरो में बैंक ऑफिसर के कोरोना की तस्दीक का पोए डिप्टी कमिश्नर लाड़कानू की हिदायतों से नेशनल बैंक के सील किया वो हाला पुलिस हथाए लाश के कोरोना टेस्ट लाए हैदराबाद मुंतकिल कर छो डहरकी में हिंदू पंचायत के मुखी शेवक राम जी टों भेरों करायल टेस्ट नेगेटिव अची वही हैदराबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना मुतासर पक्के किले के रवासी समेत बजणा कोरोना विघे फौत जिले में फौतिन जो अंग 15 थी वो मटियारी में 11 नवा केस जाहिर कोटड़ी में एक केस जाहिर थे बाद मुतासर जो अंग 13 थी वो दादू में कोरोना मुतासर जो अंग 3 थी वो पीरकोट में 14 जणन के वायरस की तस्दीक पंजाब में 36 जणन की रिपोर्ट नेगेटिव अची वही काजी अहमद रूरल हेल्थ सेंटर जो मुलाजिम भी कोरोना में मुब्तला दादू में 2 जणन के वायरस की तस्दीक का पोए अंग 5 थी वो कराची में फंड्स जारी न थियण खिलाफ़ एहतजाज लाए हिकमत अमली जोड़ बाबत वकीलन के इजलास दौरान हंगामो इजलास में मुर्तजा वहाब के जिक्र से पीपल्स लॉयर्स फोरम गोड़ शुरू कर छोड़ो डाइस जो गहराव नारेबाजी ए गोड़ बाद इजलास खत्म कराची बार मुर्तजा वहाब के 3 महीन लाए रुकनियत मुअत्तल कर छी बार के अगवान GM खोखर जो चवण है तो जमहूरियत जो दावाओं कदड़न वकीलन से हमलो किया है वकीलन की मदद करण लाए हुकूमत नियत ही न थी रखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA का जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर वरतो चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्ला रिमार्क्स डींदे है तो एतरन सालन का पोए जज के खबर पई तो खेस नशेआवर शय पियारे वीडियो ठाई वही जज पाण ही चई रो है तो यह वीडियो असल है तो पोए उन खिलाफ कार्रवाई थियण घुर्ज
सिंध में कोरोना वायरस ए माकड़ बाद रोलू कुतन जो अजाब बधी वो चैन महीनन में 84,000 का मू कुतन जो शिकार 15 जणा फौत थे। सिंध सरकार कुत्ता खसी करण लाए रखियल 1 अरब 8 करोड़ मां 35 करोड़ खर्च करे सकी। अस्पतालों में वैक्सीन अणलभ, सेहत खाते तरफा कुत्ते डाण की वैक्सीन जा 21,508 डोज मौजूद होजन की दावा। मुतासरन के फायदो न मिलो। तंगवाड़ी में रोलू कुतन बिन औरतुन सूदो 7 जणन के डाढ़े जख्मी कर छो अस्पताल मुंतकिल। सिंध में माकड़ तबाही मचाए छड़ी। उमरकोट, सामारे, कुंदरी बेन इलाक़ में माकड़ जा कटक लथल। वोणन, मिर्चन अंबन के बागन के हमले सबब नुकसान। आबादगार परेशान थी वया। सिंध हुकूमत के माकड़ मार स्प्रे कराने जो मुतालबो। कोटड़ी में बनी अगो कराची वाह में विंझदे बुड़ी वल नींगरी जो लाश हथ अची वो। नींगरी सहरिश जो लाश ताल के अस्पताल मुंतकिल। फौत थी वलन जो अंग वधी मथी वो। फौती भेण ए भाव कराची के इलाके लालू खे जा रवासी हुआ। थुलमे झेड़े सबब अस्पताल मैदान जंग बणजी वही। अस्पताल में बंगलानी बिरादरी की बिन धुरन में झेड़ो। हथियारबंदन अस्पताल में फायरिंग कर दिनी। 5 जणा जख्मी थी पाया। अस्पताल में छिकता। सरहद वेझो मोटरवे ते पेश आयल खौफनाक रोड हादसे के नतीजे में फौत थियल चैन जणन जा लाश वारसन हवाले किया व्या। जख्मी नींगरी एवं औरतुन के अस्पताल मुंतकिल किया व्यो। मोटरवे पुलिस से देर सा पहुंचन सबब जख्मी औरतू 1 कलाक तई रोड ते ही तड़पंदी रही। पुलिस जो चवण है हादसों ड्राइवर के निंड अचण के करे पेश आयो। सिंध में व्याज के कुधे कारोबार से जब्तो न अची सको। रानीपुर में व्याजन के तशद्दुद में कतुल थियल याकूब जोगी के केस में मुख्य जवाबदार गिरफ्तार। मकतूल की जाल की फरियाद से 3 जणन खिलाफ केस दाखिल किया वो। शहजादी जोगी जो चवण है त संदस मुड़स 1.5 लाख रुपया व्याज से वरता हुआ। हर महीने किस्त अदा कंदो हो पर इन भेरे पैसा न दियण से जवाबदार संदस मुड़स के तशद्दुद जो निशानो बणायो। ठुल के गोट मुराद बख्श कुंदरानी में व्याजन का तंग थी आपघात कंदर नौजवान के वारसन जो व्याजन खिलाफ अदालत वन जो ऐलान। वारसन जो चवण है तो नौजवान अहमद उर्फ हाजन कुंदरानी के नाजिम व्याज की रकम वठण लाए तंग कंदो हो जैं करे हुन एड़ो इंतहाई कदम खयो। इस्लामाबाद, लाहौर, बहावल नगर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाक में तेज बरसात। मौसम खुशगवार थी वही। गड़े सा बरसात सबब पंजाब में फसलन के नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के केतरन ही इलाक में बरसात सबब पानी रोडन से बीजी वो। बिजली बंद। जाबलू इलाक में हल्की बर्फबारी। अस्सलाम वालेकुम, टाइम न्यूज़ सगत माहिया हमीर शेख। हेडलाइंस हवाले थियो तफसीली खबरों हिना ब्रेक का। Allah।